सेंटेंस टुडे वी आर कंटिन्यू विथ इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 डेट इज 7 अगस्त ओके फ्रेंड्स इन द पार्क वी आर रीडिंग दिस चैप्टर ओके फ्रेंड्स इन द पार्क मनु गोज टू द पार्क टू प्ले एवरी इवनिंग मनु है वो पार्क जाता है हमेशा शाम के समय खेलने के लिए ओके मनुज फ्रेंड्स अमीना गोज टू द पार्क टू मनु की फ्रेंड अमीना है वो भी उसके साथ जाती है दे रन अराउंड एंड प्ले विद द अदर चिल्ड्रन वे घूमते हैं वहाँ पे और खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ दे लव टू प्ले ऑन द सीसो एंड द स्लिपरी स्लाइड वे क्या करते हैं उनको सीसो पे बहुत अच्छा लगता है और स्लिपरी स्लाइड है वो स्विंग स्लिपरी स्लाइड और सीसो ये बहुत अच्छे लगते हैं ओके देर आर ओनली टू स्विंग्स वहाँ पे क्या है दो ही झूले हैं ओके जो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में इन द पार्क ऑल द चिल्ड्रन लाइक टू स्विंग सभी बच्चों को झूले झूलना बहुत पसंद होता है जैसे आपको भी होगा दे टेक टर्न सो दैट ऑल कैन हैव फन वो क्या है टर्न लगाते हैं कि फर्स्ट में दो जाएंगे सेकेंड में टू ऐसे करके टर्न करते हैं और फन लेते हैं ओके वन डे अ न्यू बॉय सनी एक दिन एक नया लड़का सनी है जिसका नाम वो पार्क में आता है कम्स टू द पार्क ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वो लंबा है और स्ट्रॉन्ग लगता है मजबूत लग रहा है ही वॉन्ट्स टू सिट ऑन द स्विंग वो क्या चाहता है स्विंग के ऊपर बैठना ही पुशेज मनुज ऑफ द स्विंग वो क्या करता है मनु को पुश कर देता है स्विंग से मनु हर्ट्स हिज लेग मनु स्विंग से गिर जाता है और उसके लेग पे चोट लग जाती है ओके अमीना इज सैड अमीना दुखी हो जाती है सैड डोंट बी रफ वो सनी को कहती है कि ऐसे वॉयलेंस न करो जेंटल बनो नॉट जेंटल नहीं चलेगा ओके सी सेज सनी डज नॉट लिसन टू हर सी सेज सनी को कहती है डज नॉट लिसन टू हर वो नहीं सुन रहा है द नेक्स्ट डे नोबडी वॉन्ट्स टू प्ले विथ सनी नेक्स्ट डे क्या होता है कोई भी सनी के साथ नहीं खेलता क्योंकि वो गुड बॉय नहीं है यू आर रफ क्यों क्योंकि आप वॉयलेंस फैला रहे हो और आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है दे से सब जने यही कह रहे हैं ऑल चिल्ड्रन आर ओके सनी फील्स बैड सनी को बुरा लगता है कि कोई उसके साथ प्ले नहीं कर रहा है ही सेज सॉरी टू मनु वो क्या करता है मनु को जिसको झूले से धक्का दिया था उसके पास जाके उसको क्या बोलता है सॉरी ही सेज सॉरी टू मनु मनु एंड अमीना प्ले विथ सनी मनु और अमीना क्या करते हैं प्ले सनी के साथ खेलने लगते हैं द अदर्स ज्वाइन टू दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं ओके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ओके आप भी घर पे इसको रीड करेंगे ओके थैंक यू